ये चोट लगी काफी, बट कोई नहीं, ये भूत है ना, यहाँ पे बलि मांगूंगी भूत का साया यार। तो वो लग रहा है मुझे, हाँ क्या भूत बुलाई है भाई, मैं इससे यो ऊपर निकल जाएगा। हाँ हम आपको लेके चल रहे हैं भानगढ़, बहुत ही फेमस स्टोरी है इसकी, और हम आपको भानगढ़ के साथ साथ वो स्टोरी भी बताएंगे भानगढ़ किले। भाई पहुँच के मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे तो काफ़ी सारी स्टोरीज है भानगढ़ से। देखिए हमारी गाड़ी के सामने सांबर, इधर मोड़, रुक 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 यार, रोकने, अबे पे रोकना नहीं, खतरनाक है भाई, नहीं खतरनाक की बात है। ये देखिए इधर देखिए, ये देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम जा रहे थे देखिए ये बैठे हुए हैं, क्या हाल है रामलाल सांबर स्वयं तैयार है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खुले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समाज देखी निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। तो वाह, भानगढ़ भूतों की नगरी की तरफ हम चल दिए हैं। पूरा लंदन को मक्केदा, भूतों की नगरी भानगढ़। यहाँ पर भानगढ़ के किले के पास आ चुके हैं, भूतों की नगरी है ये भानगढ़, और ये देखिए इधर ठीक है, हमारे यहाँ पर काफी काफी सारे लोग आए हुए हैं, रश ठीक है यहाँ पर, आइए इधर देखो, इधर बैठे रहने दो यार, इनको छेड़ना बेकार है। यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ पर सबको अपना पैसे पे करने के लिए ऑनलाइन पे करना होता है, और यहाँ पर बारकोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, और यहाँ का जो चार्जेस है 20 रुपये पर पर्सन है, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो ठीक है। 80 रुपये पेमेंट के बाद इन्हें भेजा यहाँ दिखाना होता है, ये आपकी पेमेंट हो गई, और ये स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद कंफर्म हो जाएगा, होता है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। नहीं, इधर यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो ये हनुमान जी का मंदिर इसलिए क्योंकि यहाँ भूतों पर सिर्फ कंट्रोल हनुमान जी कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल करते हैं। ये देखिए प्राचीन स्थल भानगढ़, और ये भानगढ़ यहाँ पे मैप बना हुआ है इसका, हाँ कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। देखिए ऊपर ये किला देखिए, ऊपर रास्ता है, रात को यहाँ पे सब जगह बोलते हैं कि यहाँ पर भूत ही भूत है, तो ये देखिए ये है भानगढ़ का भूतिया किला,
अभी तो ये वीराना पड़ा है, बट अपने टाइम में एक विरासत थी यहाँ की, एक बहुत ही बड़ी। जो स्टोरी है वो थोड़ी ऐसी है कि यहाँ की एक फेमस राजकुमारी हुई है, उनका नाम था रत्नावली। वो बहुत ही ब्यूटीफुल राजकुमारी थी अपने टाइम की। तो वो यहाँ पे मार्केट में इत्र लिए लेने जाती थी। यहाँ पे एक मार्केट लगती थी बहुत अच्छी, वहाँ से उन्हें इत्र लेने का बहुत शौक था। वो हर वीकली मतलब अपना इत्र लेने जाते थे। तो हम जब वो नॉर्मली इत्र लेने जाती थी, तो एक बार वहाँ सिंधु मेवड़ा नाम का एक व्यक्ति था, उसने उनको देखा जब वो था वहाँ पे। वो तांत्रिक टाइप का एक बंदा था, उनको वो अच्छी लगी क्योंकि वो थी भी इतनी अट्रैक्टिव कि कोई भी उनसे अटैच हो जाए। तो वो उनको काफ़ी लाइक करने लगा और उनको हासिल करने के विचार उसके मन में आने लगे, और वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी कैसे भी मैं राजकुमारी को पटा लूँ। बट हुआ ये कि राजकुमारी अपने ही उसमें खोई रहती थी, उन्हें मतलब नहीं था दीन दुनिया से क्या हो रहा है क्या नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, वो तांत्रिक टाइप तो बंदा था ही, उसने जहाँ से वो इत्र लेती थी उन्होंने वहाँ से उस बंदे ने जाके उस इत्र को, एक इत्र की शीशी ली, उसमें जादू टोना किया। और उसने इस तरह का जादू टोना किया कि जो भी इस इत्र को यूज़ करे वो उस सिंधु मेवड़ा का दीवाना हो जाए, उसके बस में हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो जो इत्र थी वो रानी के पास पहुँचा तो, बट रानी उसे यूज़ नहीं कर पाई। और रानी के पास जब वो पूछा, वो पहुँच गया था, पहुँचने के बाद उनके हाथ से वो इत्र की जो शीशी थी वो टूट के गिर गई, और वो एक पत्थर पर गिर गई। जिस पत्थर पर वो गिरी थी, वो जो इत्र की शीशी गिरी थी उसका जादू उस पत्थर पर ही हो गया, और वो पत्थर वो सिंधु मेवड़ा का दीवाना हो गया। और पत्थर ने जाके सिंधु मेवड़ा से प्यार में उसकी जान ले ली, उसके ऊपर ही गिर पड़ा वो पत्थर, और वो सिंधु मेवड़ा मर गया। लेकिन मरने से जस्ट कुछ ही क्षण पहले सिंधु मेवड़ा ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि एक टाइम पर ये अपने सब कुछ खो बैठेगा, ये जो गढ़ है भानगढ़ है, ये किला है, एक टाइम पे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इसका। और यही हुआ, एक टाइम बाद भानगढ़ पूरा बर्बाद हो गया, ये अपनी विरासत खोता चला गया और यहाँ पर सब चीज़ उजड़ गई। भाई फोटो शूट करवा रहा है, देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक और भी है यहाँ की, कि एक बार एक साधु था, और वो साधु जब यहाँ का ये निर्माण हो रहा था, उसने बोला था कि यहाँ का जो निर्माण हो वो ऐसा हो जिससे सूर्य की जो किरणें हैं वो ना पड़े, परछाई रहे, धूप से वो बचना चाहता था। लेकिन जो कारीगर थे जो इसका निर्माण कर रहे थे, उन्होंने उस साधु की बात नहीं मानी, और उसने फिर गुस्से में फिर से उसे श्राप दे दिया भानगढ़ को कि बर्बाद हो जाए, और बर्बाद हो गया। यहाँ पर अकाल पड़ा, एक बहुत बहुत भयंकर अकाल पड़ा जिस कारण ये पूरा उजड़ चुका है। इधर यहाँ मंदिर है, और अपने टाइम पर ये चरम पर था, सभी जगह राजा और रानियाँ यहाँ घूमा करती थी, उनका पार्क हुआ करता था, गार्डन हुआ करता था। रत्नावली जी अपने टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी। ये देखिए यहाँ से एंट्री करते हुए इधर से यहाँ पे जाते हैं। ये चले हमारे तीनों चीते, ये देखिए इधर, ये है भानगढ़ का भूतिया किला। काफी लोग आए हुए हैं, चहल पहल है काफी यहाँ पर। वो सब आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। प्राचीन स्थल भानगढ़, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये यहाँ से जा सकते हैं, ये क्या है गुफा। अरे भूत ही आए, थोड़ा थोड़ा डेंजरस किला है। ओके भूत ही आ गया, देखिए इधर से छोटे छोटे से यहाँ रास्ते।
ऊपर जा रहे हैं अभी, रास्ता ऊपर भी है, ऊपर जाना है हमें एकदम टॉप पे। कैसा लग रहा है भाई लोगों? बहुत बढ़िया, फुल मजा आ रहा है। चढ़ाई है थोड़ी सी, चढ़ाई दिखा देता हूँ। आप थक गए हैं थोड़े से? ये देखिए यहाँ से लोग आ रहे हैं। देखिए हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं, इतनी हाइट पे हम आ चुके हैं, वहां से हम ऊपर आ गए हैं और अभी और ऊपर जाना है। कहाँ रहते हैं भूत? भूत और भूतनिया भी है। ये अच्छा पैर में होना चाहिए। हाँ यार, यहाँ पर एक छोटी सी सुरंग है, इसमें घुसने का ट्राई कर रहा था मैं, काफी खतरनाक जगह है। एक सेकंड, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, देखते हैं हमें भूत ढूंढने हैं, हमें यहाँ क्या है। ओ ये खुफिया रास्ता है, कैन वी गो देयर? लेट गेट स्टार्ट। जो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा दीपक भाई चलो, आओ दीपक भाई कहाँ है? चल चलते हैं, मैं चल रहा हूँ आगे आगे। यार एक टॉर्च और यार, यार अंदर धूल उड़ रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसा होगा अंदर। बंद नहीं है यार, तुम अकेले मत छोड़ो यार, डर लगता है, अकेले मत छोड़ा करो। ये क्या है? यहाँ भूत बैठते हैं रात को और पूरी भूतों की सभा लगती है यहाँ पर। यहाँ पे भूतों की पूरी सभा लगती है रात को। देखते हैं एक जगह कहाँ जा रही है। दुकान पे यार तो वो लग रहा है मुझे। हाँ क्या नहीं, भूत बुलाइए था इसका? ऊपर निकल जाएगा रात। तुम अंदर आओ, हम तो अंदर ही हैं। अबे ऊपर निकलेगा सीधा बस। ऐसा भी होता है जब उधर से चल रहा हूँ यार, यहाँ पर ऊपर को नमक कड़ी से। देवी जी प्लीज जो भी आओ बता के आना यार, स्त्री हो कहीं भी हो सकती है यार, अकेले में। क्या हुआ? पैर फिसल गया लगी तो नहीं, बस यहाँ पर पता नहीं कहाँ पे क्या हो सकता है। इस तरी अभी बलि मांगते हैं, खून, मेरा खून मांगा है, और मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड है, और ये उनको ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, ले लिया। दीपक हमने तो बलि चढ़ा दी थोड़ा सा, देख क्या हो गया भाई। पता नहीं ऐसे कितने गेट आएंगे, अब तक हम 2-3 गेट पार कर चुके हैं। क्या चोट लगी है थोड़ी सी गिरने की वजह से, बट कोई नहीं, हम आपको फिर भी बेस्ट से बेस्ट व्यू दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर देखिए हम काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं, काफी नीचे, बहुत नीचे है, हम काफी ऊंचाई पर इस समय है, और अभी और भी ऊंचा है हमारे ऊंचे ऊपर है, जितना ऊपर जाने जा सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे ऊपर जाए। और इधर देखिए हम अभी काफी ऊपर आ चुके हैं। देखिए यार मेरा नाम तो किसी ने पहले लिख रखा वहाँ थे बहुत नीचे। ये देखिए ये यहाँ का किला, और हम ऊपर है इस वक्त, नीचे सारा हम वहाँ से आए हैं नीचे से। देखिए ऊपर सिर्फ पहाड़ है, ऊपर ये टॉप पॉइंट है, और एक वहाँ पर एक छोटा सा किला और बना हुआ है वो इधर। देखिए रात को शायद यहाँ भूत बैठते होंगे, वार्तालाप करते होंगे, परिचर्चा करते होंगे। देखिए अपने चाहने वालों ने, लोगों ने अपने अपने नाम रखे हैं, ऐसे काम करते हैं लोग, मगर ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर ऐसे लिखना अच्छी बात नहीं होती है, तो बिल्कुल हम इस चीज़ का अब
समर्थन नहीं करते हैं ये जो लिखते हैं हिस्टोरिकल चीज पर। देखिए इन्हें लिखा हुआ है अजय और सहा, नॉट अ गुड थिंग। हिस्टोरिकल प्लेस पर ऐसे लिखना ठीक बात नहीं होती है, ये हरकतें बहुत ही गलत होती हैं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर ऐसे लिखना। सारा इधर यहाँ टेम्पल है, तो यहाँ पर देखिए इधर सब लोग आए हुए हैं, घूम रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं सब। काफ़ी अच्छी जगह है देखिए। इधर यहाँ पे एक मंदिर है टेम्पल, और चलते हैं। ये लवर्स पॉइंट है, भूतों का लवर्स पॉइंट है। यहाँ पे सारे भूत रात को रंगरेलिया मनाते हैं। बैठा हूँ और ये मेरे पीछे भूतों का लवर्स पॉइंट है, मैं यहाँ बैठा हूँ। दिन में मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, रात में मेरे लिए यहाँ पर अलाउ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ घोस्ट बैठते हैं और मजे लेते हैं। वहाँ से एंट्रेंस था और ये यहाँ पर टेंपल, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, उधर से एंट्री है। इस रास्ते से ऊपर हम गए थे भी ऊपर, और यही है सारा भानगढ़ का किला। यहाँ छोटे छोटे और किले बने हुए हैं। लो ठीक है, चलते हैं यहाँ से, भाग के चलते हैं। ये भैया यहाँ पर रात को यही इनकी ड्यूटी रहती है, ये यहाँ पर ही रहते हैं पूरे दिन, रात में भी यहीं रहते हैं। ये बोल रहे हैं कि रात को यहाँ पर रुकते हैं, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। और अभी मैं अंदर से भी हो गया हूँ, वहाँ भी ऊपर एक गार्ड थे, उन्होंने भी बोला कि यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, रात को रुकते हैं। बट लोगों ने एक ऐसा भ्रम फैला रखा है कि रात में यहाँ पर भूत रहते हैं और यहाँ पर रुकना अलाउ नहीं है। बट ये यहाँ पर रात को रुकते हैं, इनकी ड्यूटी रहती है, तो ये कैसे यहाँ पर रुक रहे हैं? तो ये क्वेश्चन मेरे मन में ज़रूर आया, तो मैंने इसलिए पूछ लिया। ये देखिए यहाँ पे ये शायद इनकी बस्ती होंगी, यहाँ पे घर होंगे, मकान होंगे, अपने टाइम पर लोग यहाँ रहते होंगे। यहाँ मार्केट होगी अच्छी खासी, बाजार शायद, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स भी होंगी और भी चीज़ें होंगी। ये शायद ये मार्केट ही एक जैसा मुझे देख के लगता है ना, मोहन जोदाड़ो जैसी थोड़ी बनी हुई है। ये भी डिफरेंट है, पूरी एक अलग विरासत है और उसका इतिहास, पता नहीं कितने राज यहाँ पर आज भी दफन है। We don't know about this, but सच में अपने टाइम पर ये एक बहुत ही विराट विरासत रही होगी यहाँ की। आज भी ये इमारतें बयां कर रही हैं उन लोगों की कहानियाँ जो यहाँ पर कभी रहते थे, जो यहाँ की रौनक बढ़ाए करते थे। ये दीवारें, ये जगह चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि अपने टाइम पर काफ़ी स्थापित्य रहा है इस जगह का, वर्चस्व रहा है इस जगह का। सो हम हैं यहाँ पर, और राहुल भाई को एक ही किसी सुंदर चिड़िया का पंख मिला है, ये उसे खोना नहीं चाहते, संभाल के रखना चाहते हैं। इंक भर के आगे छेद करके इसे लिखेंगे। वाओ, प्रेम पत्र लिखने के काम आए प्रेम पत्र। तो देखिए आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में, मजा तो आ ही रहा होगा, जाहिर सी बात है जब हम हैं तो वीडियो में। तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, करो शेयर करो और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाओ, और अच्छे अच्छे कमेंट करो। कमेंट नहीं करो यार, तुम लोग कमेंट भी करो, कमेंट बाजी कर सकते हो। कमेंट बाजी प्लीज ये बंद मत करो, कमेंट बाजी चालू रहनी चाहिए।